जिला संगरूर के लोंगोवाल में अपने दोस्त की हत्या कर उसकी लाश के पास भांगड़ा डालने वाले गैंगस्टर दलविंदर सिंह बबली उर्फ बबल रंधावा पुलिस को चकमा देकर संगरूर कोर्ट में पेश हो गया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 8 मार्च तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। जिक्र योग है कि जमानत पर जेल से बाहर आए बबली ने अपने साथियों के समेत निजी रंजिश के चलते अपने दोस्त की दिन दहाड़े बाजार में गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी भंगड़ा डालते हुए मौके से फरार हो गया था। उसके बाद उसने फेसबुक पर भी अपनी प्रोफाइल अपडेट कर हत्या की पूरी जानकारी दी थी और गाने गाकर धमकियां भी दी थी। जिला संगरूर के लोंगोवाल में 16 फरवरी के दिन दिन दहाड़े बाजार में गैंगस्टर दलविंदर सिंह बबली उर्फ बबल रंधावा ने अपने दूसरे 3 साथियों के समेत एक्टिवा से बाजार से गुजर रहे अपने दोस्त हरदेव पर अचानक गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद संगरूर पुलिस ने आरोपियों को ढूंढने के लिए 6 टीमों का गठन कर दिया था, लेकिन कई दिनों के बाद जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार ना कर पाई तो बबली आज पुलिस को चकमा देते हुए संगरूर कोर्ट में पेश हो गया, जिसके बाद संगरूर कोर्ट ने उसे 8 मार्च तक पुलिस रिमांड पे भेज दिया है। डीएसपी ने बताया कि बबली पर पुलिस का दबाव था, जिसके चलते आज खुद बबली को संगरूर कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा है। पुलिस ने दावा किया कि बाकियों को भी ढूंढ लिया जाएगा। किस मामले से दोषी 16 फरवरी लोंगोवाल फायरिंग करके फरार होया बबली वो पेश होया जी ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਜਾਟ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਜਗਤਾਰ ਬਾਵਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।